नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है, जो कि समूचे बिहार में 7 जुलाई से लागू हो जाएगी, जिसके तहत सबसे बड़ी राहत छात्रों को दी गई है, क्योंकि 10वीं से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला जारी किया गया है, जिससे छात्र अब दोबारा से स्कूल कॉलेज में 50% की उपस्थिति के साथ जा सकेंगे, जिसके बाद ही अब 11वीं-12वीं के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 7 जुलाई से खोल दिए जाएंगे। हालांकि ये सभी स्कूल कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस दिन से अपने संस्थान का संचालन करवाते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अनलॉक 4 के तहत अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य पालन के साथ होगा। इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरीके की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था भी करने वाला है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद ही नुकसानदेह मानी जा रही है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों को टीका लगाने का काम किया जाए, ताकि तीसरी लहर पर काबू पाने में मदद मिल सके। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। इसके साथ ही कोरोना के माहौल को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करने का भी फैसला लिया गया, जिसके बाद अब प्रारंभिक कक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। छात्र इस बात को लेकर लगातार शिक्षा विभाग से प्रारंभिक कक्षाओं के संचालन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 10 तक को खोलने पर निर्णय 15 दिन के बाद लिया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति जारी रहती है, तो इंटर की पढ़ाई आरंभ होने के 2 सप्ताह बाद इन विद्यालयों के खोले जाने को लेकर समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित के विचार और सलाह से ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 11वीं और 12वीं के विद्यालयों में जो पाठ पहले दिन पढ़ाए जाएंगे, उन्हें ही दूसरे दिन भी दोहराया जाएगा, ताकि 50% रोजाना उपस्थिति के कारण किसी बच्चे का कोई पाठ ना छूटे। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र, 11वीं-12वीं के स्कूल को छोड़कर अन्य सभी 10वीं तक के स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनलॉक 4 की घोषणा बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन समय के हिसाब से खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान केवल कोविड टीका पाने वाले आगंतुकों को ही आने की अनुमति होगी। स्कूल कॉलेज के अलावा क्लब, जिम और स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खोल दिए जाएंगे, लेकिन वो वैसे ही लोगों के लिए खोले जाएंगे जिन्होंने टीके का पहला डोज कम से कम ले लिया हो। इसके साथ ही स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। वहीं होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थित होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि शादी के दरमियान डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में भी अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं बाकी सभी नियमों कानून अनलॉक 3 के तहत ही यथावत लागू किए गए हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।